हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फ्लेवर्स ऑफ माय लाइफ में। आज हम बनाने जा रहे हैं व्हिप्ड क्रीम, जिसको बनाना बहुत आसान होता है। इसका यूज़ हम केक, डेजर्ट्स, कपकेक्स बनाने में कर सकते हैं और इसे बच्चे बहुत ही ज़्यादा लाइक करते हैं। तो यहाँ मैंने एक हैवी व्हिपिंग क्रीम लिया है। आप किसी भी ब्रांड का क्रीम यूज़ कर सकते हैं, डिलेक्टर, रिच, डिलाइट, ट्रोपोलाइट, जो भी आपको अवेलेबल हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। व्हिपिंग क्रीम जब भी हम मार्केट से लेते हैं तो फ्रोज़न मिलती है, तो हमें भी इसे फ्रीज़र में ही रखना होगा। मैंने ट्रोपोलाइट क्रीम का यूज़ किया है। ये क्रीम फ्रोज़न है तो मैंने इसे 3-4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, और जब ये क्रीम थोड़ी मेल्ट हो चुकी है तब मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिया है। यहाँ मेरी क्रीम में थोड़े आइस क्रिस्टल हैं और थोड़ी ये क्रीम मेल्ट हो चुकी है, तो ये एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है व्हिप क्रीम को बीट करने के लिए। तो यहाँ इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर रही हूँ। आप चाहे तो हैंड बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ मैं इलेक्ट्रिक बीटर को यूज़ करूँगी लो टू हाई। यहाँ क्रीम व्हिप करने से पहले हमें एक बात ध्यान रखनी है कि क्रीम हमारी बहुत ही ठंडी होनी चाहिए। यहाँ मैंने एकदम लो स्पीड पे क्रीम को बीट करना स्टार्ट कर दिया है। करीब 2 मिनट तक मैं क्रीम को ऐसे ही बीट करूँगी। आप देख, यह क्रीम ऑलरेडी स्वीट आती है, तो यहाँ पर मैंने कोई भी शुगर ऐड नहीं करा है, लेकिन अगर आप शुगर ऐड करना चाहते हैं तो इसमें आइसिंग शुगर ही ऐड करें। और क्रीम काफ़ी मेरी गाढ़ी हो चुकी है, लेकिन मैं एक बार इसको फिर से साइड में से मिलाऊँगी। अब मैं इसको 3 से 4 मिनट के लिए और बीट करूँगी। एक ही डायरेक्शन में हमें इसको बीट करना है और बीच में एक बार वापस मैं इसको मिक्स करूँगी। हमारी क्रीम और भी ज़्यादा थिक होने लग गई है और इसका वॉल्यूम बिल्कुल डबल हो चुका है। और हमें इस क्रीम को तब तक बीट करना है कि जब तक इसके स्टिफ पिक्स ना बन जाएं। यदि आप क्रीम को ज़्यादा व्हिप्ड कर देंगे तो वह एकदम बटरी हो जाएगा और खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, और अगर आप इसको कम बीट करेंगे तो वह आपके डेजर्ट्स और केक्स पे प्रॉपर सेट नहीं होगा। यहाँ मैंने 3 से 4 मिनट के लिए और इसे बीट करा। ये देखिए, हमारा क्रीम बिल्कुल तैयार हो गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि पीक्स बिल्कुल स्टिफ बन रहे हैं। इसे आप आसानी से किसी भी केक की आइसिंग, कपकेक्स या डेजर्ट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा व्हिप्ड क्रीम बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। इस क्रीम में आप फ्लेवर्स और कलर्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने पाइनएप्पल एसेंस का यूज़ करा है। आप जेल कलर या लिक्विड कलर दोनों यूज़ कर सकते हैं। दोनों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं जब तक कि पूरा कलर क्रीम के अंदर अच्छे से मिक्स ना हो जाए और एसेंस भी अच्छे से मिक्स ना हो जाए। तो इस तरह से हमारा कलरफुल क्रीम और व्हिप्ड क्रीम दोनों बनकर तैयार है। अगर आपका क्रीम बच जाता है तो आप इसे 2 से 3 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।